हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हरमू चौक में ये जो पंडाल बन रहा है, गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर का मॉडल है जो आप देख रहे हैं। ये काफ़ी काम हो चुका है और इसका कलर भी हो रहा है और बाकी झूमर उमर का काम हो रहा है। यहाँ पे जो पानी का ये तालाब जो बनेगा इसका भी काम लगा हुआ है, तो आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। और अभी यहाँ क्या क्या काम हुआ है चलिए आपको दिखाते हैं, और इसके बाद लाइट डेकोरेशन का भी काम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए दिखाते हैं। तो गाइस देख रहे हैं कि हरमू चौक में जो ये दुर्गा मंदिर के बगल में जो पंडाल बन रहा है, गुजरात का जो नारायण मंदिर का, ये पूरा सेम बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कितना काम हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं कितना अभी तक के काम हुआ है। तो लगभग अब हो चला है काम, और अभी बहुत ये सब काम बाकी है यहाँ का, जो इसमें पानी भराएगा और इसमें मूर्ति बैठेगा। तो चलिए आपको अंदर भी दिखाते रहेंगे और बाकी देखिए ये सब। तो यहाँ का काम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। और पंचमी के दिन खुल जाएगा ये मंदिर, ये पंडाल। तो देखिए यहाँ का काम कितना हुआ है अभी, और ये सब अभी झूमर का काम यहाँ पे हो रहा है। आपको सारा अपडेट देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है और काम रात दिन लगातार हो रहा है। तो ये सब जितना भी पंडाल है सब में मूर्ति बैठेगा अभी, और अभी समय है लगभग और दो चार दिन। तो आप यहाँ अंदर भी चलिए दिखाते हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं आप अंदर में ये सीलिंग का काम कितना हुआ है, और अभी यार दो चार दिन लगभग लग जाएगा ये सब काम होने में। तो देखिए कब बहुत खूबसूरत बनेगा ये, बन के जब तैयार होगा तो आप लोग दर्शन करने आइएगा तो दिल खुश हो जाएगा आप लोग का। आप लोग को लगेगा कि सोना का महल में आए हैं। और ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रांची का होने वाला है इस बार। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे लाइट डेकोरेशन का सारा सामान आ गया है, और अब लाइट डेकोरेशन का भी काम शुरू होने वाला है। बाकी यहाँ पे नीचे में जो ये तालाब बनेगा इसका भी काम लगातार दिन रात हो रहा है, और यहाँ काफ़ी लोग भी आ रहे हैं देखने अभी से। और ये सारा पंडाल का खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। तो जितना भी काम होते रहेगा बाकी जब खुल जाएगा पंडाल तो भी दिखाएँगे, अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काम होता है पंडाल का, और ये सब काम चल रहा है और अभी काम बाकी है दो तीन दिन का लगभग। तो यहाँ पे आपको बाहर का भी लाइट डेकोरेशन का काम हो रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको।